सोमवती जी, क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको, जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले, वो विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएंगे, और हारने की बात तो जनता तय करेगी। 2019 के चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण का ऐलान कर विपक्ष के तोते उड़ा दिए हैं। अब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया है, लेकिन इस बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे मोदी सरकार का पहला छक्का बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, उसी तरह पीएम मोदी ने तो अभी पहला छक्का ही मारा है, अभी और छक्के मारना बाकी है। उपसभापति जी, क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको, जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले, वो विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएंगे, और हारने की बात तो जनता तय करेगी। आप तो हमारा आज से नहीं, 14 से हमारे खिलाफ है, हमारा पूरा विश्वास है जब भी चुनाव होगा देश की जनता एनडीए बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारी बहुमत दोबारा देगी, हमारा बड़ा विश्वास है। रविशंकर के इस बयान के बाद अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिर मोदी सरकार और कौन से ऐसे ऐलान कर सकती है जिनका विरोध विपक्षी दल भी नहीं कर पाएंगे। जानकारों की माने तो आने वाले समय में मोदी सरकार किसानों से लेकर मध्य वर्ग के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। अगले महीने सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार मध्य वर्ग को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 50% बढ़ा सकती है। इसके तहत 9 लाख रुपए तक के लोन अमाउंट के ब्याज पर 4% की सब्सिडी और 12 लाख रुपए तक के लोन के ब्याज पर 3% की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा सरकार किसानों को लुभाने के लिए भी बड़ा ऐलान कर सकती है जो कर्ज माफी से अलग होगा। इसके तहत सरकार किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए की सीधे आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर सकती है। सरकार बजट में इनकम टैक्स देने वालों को भी राहत देने के बारे में सोच रही है। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर सकती है। वहीं जीएसटी से हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए भी केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। खबर है कि सरकार 80% से ज्यादा उत्पादों पर जीएसटी कम करने का ऐलान कर सकती है। यानी कि इन सर्दियों में विपक्ष को अपने दिल का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि सरकार चुनाव से पहले कई बड़े ऐलान कर सकती है जिनका विरोध विपक्षी दल भी नहीं कर पाएंगे।